कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग 10th का 4th लेक्चर लेके आप लोग के सामने आए, जिसमें बताएंगे कि जो एसिड और बेस का जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसका हम लोग कुछ पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट पहुंचते हैं। कहां हम लोग जो पहुंचते हैं, एसिड एसिड बेस का जो प्रॉपर्टीज था उसको पढ़ने के लिए, किसको, उसका जो प्रॉपर्टीज था उसको पढ़ना है। देखिए इसमें क्या था, नंबर वन हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पे, जो एसिड और बेस होता है इसका, जैसे हम लोग क्या पढ़ लिए थे, एसिड एंड बेस जो होता है इसका टेस्ट कैसा होता है, इसको हम लोग देख लिए थे किस तरह का टेस्ट होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, और किस तरह का जो एसिड और बेस होते हैं, बहुत सारे एसिड होते हैं वो, जैसे आपका जैसे इमली में किस तरह का एसिड होते हैं, टार्टरिक एसिड होते हैं, चाय में क्या होता है, टैरिक एसिड होता है, टमाटर में क्या होता है, हम लोग ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऐसे करके हम लोग पढ़ चुके हैं, या सेब में मैलिक एसिड होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। आज क्या करने वाले, इसका नेक्स्ट जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड नंबर जो पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, हम लोग को वो देखना है कि जो एसिड दो तरह का दिखाता है, एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है पॉइजनस वाला, क्या हो सकता है, पॉइजन वाला हो सकता है, और दूसरा नंबर जो होता है कोरेसिव होता है, क्या होता है, कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब होता है यहाँ पर बोल सकते हैं हानिकारक, क्या बोल सकते हैं, हानिकारक वाला बोल सकते हैं, या विनाशक जो होता है, या इसी को हम विनाशक भी बोलते हैं, विनाशक ये हो सकता है, इसी को बोलते हैं कोरेसिव। मतलब होता है ना कि किसी के लिए हानिकारक है, क्या करता है, हानिकारक हो सकता है उसको स्किन के लिए, उसके शरीर के लिए जो हानिकारक हो सके उसको बात करता है, ये विनाशक हो सके। पॉइजन का मतलब क्या हो, जिसको अगर कोई भी अगर इसका एडिक्ट करे, मतलब उसको अगर क्या करे, अगर इनहेल करे या किसी तरह से उसका अगर यूज करे तो वो क्या करे, पॉइजन का मतलब क्या करे, उसको क्या करे, किल करने में जो काम करता है उसका बात करेगा। मतलब यहाँ पे क्या, पॉइजन का मतलब होता है मारने में, मारने का मतलब समझते हैं ना, ऐसे किसी का डेथ करने में या किसी को उस तरह पहुंचा दे का वो कोई काम करना रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजनस टाइप का बोलते हैं। आगे समझ में, तो यही हम लोग क्या करना है, जो हम लोग का जो एसिड होता है वो दो तरह का अपना प्रॉपर्टीज को शो करता है, किस केस में, इस केस में कि एक पॉइजनस वाला भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, पॉइजनस नहीं होगा लेकिन वो भी बहुत ज्यादा हानि शरीर को पहुंचाएगा, उस टाइप का हो सकता है। आगे समझ में, अब क्या करना है हम लोग को, उसी को देखना है। जैसे देखिएगा ना, अगर आप देखिएगा जैसे पॉइजन वाला देखिए, क्या करना है, पॉइजन वाला अगर हमको देखना है, पॉइजन एसिड देखना है तो वो देखिए गौर से। इसका आप नाम तो सुने होंगे, कार्बोनिक एसिड का नाम सुने ना, कार्बोनिक एसिड मतलब वैसा एसिड जिसमें कार्बन एलिमेंट का प्रेजेंस हो, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वो सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कार्बोनिक एसिड कहलाते हैं। आगे समझ में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड की, किसकी, कार्बोनिक एसिड की बात कर रहे हैं। कार्बोनिक एसिड जैसे एग्जाम्पल में फिनॉल ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है बेंजीन पे आप OH लगा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन गया। ये ले लीजिए फिनॉल ले लीजिए, या हो सके कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, क्या बोले इसे, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल, इसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बेंजोइक अम्ल ले लीजिए। ये सब क्या होता है, पॉइजनस होता है, क्या होता है बाबू, पॉइजनस होता है। अधिकांश आप देखिएगा ना, अधिक पूरी तरह से पूरे कार्बोनिक जो एसिड होते हैं वो आप पॉइजन नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे इसका नाम है फिनॉल हो, बेंजोइक अम्ल हो, ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये सब पॉइजन होते हैं। और कैसे जाने, कार्बोनिक एसिड वैसा एसिड, वैसा अम्ल जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो, वो एसिड आपका किस तरह का एसिड कहलाएगा, वो आपका कार्बोनिक एसिड कहलाएगा। मतलब ऑर्गेनिक एसिड जितना होता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका यही कहलाता है, कार्बोनिक एसिड कहलाता है। आगे समझ में, ये अगर ये यूज करेगा तो ये होगा। अगर इसी में हम लोग बात कर ले, जैसे आप देखिएगा इसके नाम कभी सुने, H2SO4 नाम सुने होंगे, ये H2SO4 का नाम सुने कि नहीं सुने, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलिए, क्या बोलते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गौर से देखिएगा तो आप लोग जो गाड़ी चलते हैं ना, गाड़ी चलती है अभी, जितनी गाड़ी चलती है इसमें बैटरी यूज होता है, क्या होता है, बैटरी यूज होता है, उस बैटरी में जो एसिड यूज होता है ना, वो कौन सा एसिड होता है, एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, इसमें H2SO4 एसिड होता है। इसी कारण इस एसिड को हम लोग बैटरी एसिड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैटरी एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, इसे हम लोग बैटरी एसिड भी बोलते हैं। यही कारण क्यों, क्योंकि ये एसिड बैटरी में यूज किया जाता है ताकि बैटरी को हम लोग चार्ज कर सके और काम कर सके, इसलिए ऐसे एसिड को हम लोग बैटरी एसिड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, आपका हानिकारक एसिड होता है, पॉइजनस नहीं होता, क्यों, हानिकारक होता है, वो आदमी इसे ग्रहण नहीं करता है,
क्या कर सकता है, अगर ये स्क्रीन पे गिर गया, कहीं भी किसी पार्ट पे गिर गया, उसको गला देता है। क्या करता है, गला देता है। बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, बहुत ज्यादा हानिकारक एसिड होता है। आगे समझ में, ये मेरा इस तरह का, यह आप देखिएगा ना गौर से, इसका आप नाम सुने होंगे, इसका नाम HNO3। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड है। क्या नाम बाबू इसका, नाइट्रिक एसिड है। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड होता है ना, इसका यूज बहुत होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज बहुत। जैसे हम लोग का खेत होता है ना, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह का हम एग्रीकल्चर का जो काम करते हैं, जितना भी फसल उगाने वाला काम करते हैं, वहां पे जो हम लोग खाद का यूज करते हैं, उसमें किसकी मात्रा होती है, नाइट्रिक एसिड की मात्रा होती है। कहां पे, जहां पे हम लोग खाद का काम करते हैं, किसका, खाद, जो हम लोग खाद बनाते हैं ना, खाद जो डालते हैं खेत में जो डालते हैं, उसमें क्या होता है, आपको इसका यूज है। जैसे यूरिया, यूरिया में देखिएगा इसका यूज होता है। बहुत सारा ऐसा जो केमिकल है जो आप पेस्टिसाइड को मारने के लिए काम किया जाता है, वहां पे आपको नाइट्रिक एसिड डाला जाता है। इसके अलावा आप जो क्रैकर्स यूज करते हैं, फटाका जो फोड़ने के लिए यूज करते हैं, दीपावली किसी तरह का फेस्टिवल हो या किसी तरह का सेलिब्रेशन हो, वहां पे जो क्रैकर्स यूज करते हैं, उस क्रैकर्स में भी केमिकल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। किसका, क्रैकर्स में। क्रैकर्स में भी आप गौर से देखेगा तो नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये सब क्या होता है, हानिकारक होता है। अगर गौर से देखिए तो खाने से कुछ आदमी मरेगा नहीं, लेकिन इतना होता है कि आपको शरीर को क्या कर, बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचा देता है। ये हुआ, तो ये क्या हो गया, ये जो आप गौर से देखिएगा, जो कार्बोनिक एसिड होता है वो पॉइजनस होता है, अगर उसको खाएं तो आदमी को मरने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ये सब यूज करिएगा तो क्या होता है, ये सब बहुत धीरे 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 आदमी क्या करता है, इसको क्या करता है, डेथ पे पहुंचाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हानिकारक होता है, ये क्या करता है, शरीर के लिए विनाशक होता है। आगे समझ में, तो हम लोग इसको देख लें। अब क्या करते हैं, हम लोग कुछ और इसके बारे में और अच्छे समझते हैं कि और कुछ कुछ ऐसे एसिड है, उसको समझते हैं वो किस तरह काम करते हैं और कैसे उसका यूज किया जाता है, उसके बारे में फिर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, आप देख लीजिए इसको, अब क्या करेंगे, वैसे कुछ ऐसे ऐसे हम लोग के पास एसिड है या कुछ ऐसे ऐसे हम लोग के पास बेस है, जिसका हम लोग देखेंगे कुछ, जैसे अभी देखे ना एसिड में कि दो तरह का एसिड था, कौन कौन, एक एसिड होगा जो पॉइजन वाला होगा, दूसरा एसिड क्या होगा, कोरोसिव वाला होगा, जो हानि पहुंचाएगा या विनाशक वाला होगा। अब क्या करें, कुछ ऐसे हम लोग कुछ एसिड देखे, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे हम लोग बेस देखेंगे जो क्या होगा, दो तरह का होगा, सेम, एक क्या होगा पॉइजन वाला होगा और दूसरा क्या होगा आपका कोरोसिव, मतलब हानिकारक वाला होगा। तो उसको भी देखेंगे, फिर क्या करेंगे, अभी हो गया बाबू, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तब तक बताइए, हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, क्या है, हम लोग का पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, और हम लोग का पीरियोडिक टेबल में का जो सेकेंड ग्रुप है उसको भी क्या बोलते हैं, ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं। हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड जो एस ब्लॉक का आता है, उन दोनों ग्रुप का नाम क्या है, उसको हम लोग अभी थोड़ा देर बाद यूज करने वाले हैं। तब तक के लिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ एसिड को देख लेते हैं, और इस एसिड का नाम पक्का सुनेंगे HCl। क्या, HCl का नाम पक्का सुनेंगे, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कौन सा एसिड का बात कर रहे हैं, हम लोग HCl की बात कर रहे हैं, किसका, HCl की बात कर रहे हैं। और ये HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये एसिड होता है, ये एसिड क्या होता है ना, आप जो खाना खाते हैं, कभी सोचे हैं, जो आप किसी तरह का खाना क्या करते हैं, किसी तरह का खाना ठूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, वो खाना जो खाते हैं, जो अंदर जाता है, जो डाइजेस्ट होता है, वो कैसे पचता है, कभी ये सोचे हैं, क्योंकि हम लोग का जो क्या शरीर के अंदर जहां पचता है खाना, वहां पे क्या होता है, ये अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अम्ल मेरे स्टोमक में पाया जाता है, जहां पे खाना को डाइजेस्ट किया जाता है, वहां पे इस अम्ल के थ्रू हम लोग खाना क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और आपको मालूम होगा, ऐसा नहीं कि आप कोई सोच रहा हो कि हाँ ये हमारा क्या हमारे पेट के अंदर में है, तो इसका मतलब मेरा पेट क्यों निकल रहा है, कितने लोग सोच रहे होंगे, क्यों, क्योंकि आपका HNO3, एक बार बता दो बाबू, आपका HNO3, H2SO4 और HCl, ये तीन क्या है, ये तीन मेरा मिनरल एसिड है, बता रखे ना, ये सब क्या मिनरल एसिड है। और इस मिनरल एसिड में ये तीनों सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यही तीनों एसिड होता है। इसका मतलब अगर किसी के शरीर पे अगर इस एसिड को डाल दे तो उसके शरीर को क्या गलाना स्टार्ट कर देगा। अब बच्चे लोग यहां पूछेंगे, तो सर ऐसा बात है, ये क्या मेरा पेट के अंदर में रहता है, पेट को क्यों नहीं गलाता है, इसलिए क्योंकि इसकी मात्रा 1% के लगभग बराबर होते, उसके आसपास होता है, उससे ज्यादा ज्यादा नहीं होता, आसपास हम बोल सकते हैं
1% के आसपास क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पेट में होता है, जिससे कारण हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता, सिर्फ खाना पचाने के लिए काम करता है। आप कभी कभी देखे होंगे ना किसी को क्या होता है कि कभी कभी पेट में क्या होता है गैस बनना स्टार्ट होता है। गैस बनने का दो कारण होता है, एक या तो खाना खाए वो अनपच हो गया ठीक से पचाने, दूसरा अगर आप ज्यादा देर के बाद अगर खाना खाते हैं तो आपको क्या होता है उस समय एसिड क्या करता है ये ज्यादा एसिड निकलना स्टार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है आदमी को पेट में गैस बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं आदमी कि हम लोग क्या हो गया पेट में क्या एसिड बन गया, बोलते हैं ना कि हाँ एसिडिक नेचर कुछ ऐसा अंदर से लग रहा है। तो ये किसके कारण होता है, इसके कारण होता है। अब उसको बचाने के लिए अपने पेट को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, अब क्या करें ये कारण अगर कभी कभी ज्यादा बन गया क्या, अगर HCl अगर ज्यादा पेट में बन गया, कहाँ बन गया स्टमक में, अगर ये ज्यादा बन गया तो ये क्या करता है हम लोग को एसिडिक का काम करता है, एसिडिटी बन जाता है, बोलते हैं ना क्या करता है काम करता है एसिडिटी का काम करता है। मतलब अगर पेट में अगर ज्यादा एसिड बन जाए उसी को हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं एसिडिटी हो गया पेट में, मतलब गैस ज्यादा बन गया। उस समय क्या होता है ढकार आना स्टार्ट होता है, अधिक तरह का क्या होता है स्मेल आना स्टार्ट होता है ढकार के रूप में। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको अगर न्यूट्रल करना होगा, क्या करना होगा इसको न्यूट्रल करना होगा, मतलब इसे खत्म करना होगा, क्या करना होगा इसे न्यूट्रल करना होगा। अगर ज्यादा देर तक पेट में रहे तो हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसे न्यूट्रल करने के लिए हम लोग जानते हैं पीछे पड़ चुके हैं अगर हम लोग एसिड में अगर बेस को डालेंगे तो क्या करता है न्यूट्रल होकर सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है एसिड। जब भी एसिड में अगर बेस डालेंगे तो एसिड का जो पावर रहता है उसको क्या करता है बेस ये क्या करता है न्यूट्रल कर देता है, क्या करता है बाबू न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल करने का क्या होता है सॉल्ट बन जाता है, जो क्या करता है आपका पेट में जो एसिड बना हुआ जो गैस बना हुआ उसको क्या करता है स्टेबल कर देता है, उसको रिलीज करके पेट को सही कर देता है। आगे समझ में, इसका मतलब सिंपल सी बात है जब किसी को एसिडिटी हो रहा हो तो सिंपल सी बात है वहां पे क्या यूज किया जाता है उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रल करने के लिए एंटा एसिड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है यूज, यहाँ पे अगर मान लीजिए एसिडिटी हो गया तो इसको हम लोग इससे बचने के लिए क्या उपाय होता है एंटा एसिड होता है, क्या होता है बाबू एंटा एसिड का यूज किया जाता है। एंटा एसिड क्या होता है बाबू एक तरह का बेसिक नेचर होता है, इसका क्या होता है बेसिक नेचर होता है जो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इसके थ्रू क्या करता है उसको हम लोग न्यूट्रल कर देते हैं। अब कोई पूछा बेसिक नेचर किस तरह का होगा, जैसे गौर से देखिए आप सुनिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक क्या होता है बेसिक नेचर का होता है। फिर आप देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बाबू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है ये क्षार का रूप होता है, मतलब बेस का रूप होता है। अगर इसका हम लोग क्या करें सेवन करेंगे तो क्या होगा हम लोग इसको एंटा एसिड क्या कर सकते हैं यूज हो जाएगा इसके थ्रू, और हम लोग क्या करेंगे जो एसिडिटी होता है उसको हम लोग क्या बैलेंस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं अपने आप को। एक तो ये हुआ, फिर आदमी क्या करता है ये सब क्या होता है दवाई के रूप में यूज करता है, ऐसा नहीं कि जाइए ले लीजिए, ये सब क्या होता है जो हम कोई मेडिसिन लेते हैं ना उसमें देखिए कंपोजिशन लिखा रहता है, कंपोजिशन के पीछे ऐसा करके कुछ कुछ कंपाउंड्स का नाम लिखा रहता है किस किस से मिलके ये टेबलेट और ये सिरप में बना हुआ है। तो उसमें कहा ये आप देखिए ना जो भी ऐसा कुछ जो गैस बनता है उस वाले टेबलेट के कंपोजिशन में देखेगा आपको ये दोनों देखने को मिल जाएगा, और ये दोनों क्या होता है बेस का काम करता है न्यूट्रल बेस का काम करता है जो यहाँ पे क्या करता है एंटासिड के लिए यूज में आता है और एक एसिडिटी को ये खत्म करता है। अब कुछ कुछ ऐसा होता है ना जैसे कि मान लीजिए किसी के पास टैबलेट नहीं है, क्या बाबू अगर उसके पास टैबलेट नहीं है तो फिर वो अपने आप को कैसे सुरक्षित करता है, तो ये क्या होता है घरेलू नुस्खा होता है, क्या होता है घरेलू उपयोग जिसे बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है जैसे देखिए आपको अगर एसिडिटी हो गया तो आदमी बोलता है ना कि जो नींबू क्या बोलते हैं नींबू प्लस जो जल होता है उसका सेवन कीजिए क्या कर देगा आपको पेट को ठीक कर देगा। कभी सोचे ऐसा क्यों, क्योंकि नींबू पढ़ा चुके हैं नींबू में क्या होता है सिट्रिक एसिड होता है, क्या होता है बाबू सिट्रिक एसिड होता है, इसका मतलब नींबू क्या होता है एसिड हुआ। और बता रखे कि जल क्या होता है पूरी क्या होता है बेस होता है, क्या होता है क्षार होता है बेस हुआ। अब जैसे ही न्यूट्रल हो गया अब ये क्या काम करेगा जो पेट में जो एसिडिटी बना हुआ है वहां पे अटैक करके क्या करता है उसको यहाँ जो है इसे क्या करता है बैलेंस कर देता है, मतलब जितना जो अम्ल की मात्रा जो ज्यादा बढ़ जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं गैस के रूप में बाहर निकल जाता है और मेरे पेट में जितना चाहिए गैस जो जितना हम लोग को एसिड चाहिए वो उतना रह जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं नींबू पानी यूज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नींबू पानी के अलावा कभी देखिएगा आदमी क्या करता है सिरका, सिरका का नाम सुनिए, सिरका का नाम सुनिए, सिरका का जो मट्ठा ना बोलते हैं मट्ठा, वो भी क्या करता है मट्ठा देखिएगा आदमी पीता है, क्यों, क्योंकि क्या पेट में ठंडक पहुंचाता है और क्या होता है एसिड बनने नहीं देता है। गौर से देखिएगा क्यों,
क्योंकि सिरका में देखेगा, सिरका में क्या होता है 6% के आसपास क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है बाबू? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। कितना होता है? लगभग 6% के आसपास सिरका में एसिटिक होता है। इसका मतलब लगभग 6% आपका ये होता है तो 94% क्या होगा? तो 94% वहां पे बेस की तरह काम करता है। इससे काम क्या होता है? बेस और एसिड मिलकर फिर से न्यूट्रल करता है। और वहां क्या काम करता है? फिर से यहां पे बात कीजिएगा, इसको क्या करता है? न्यूट्रल करने का काम करता है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? गैस को रिलीज करवा सकते हैं अपने पेट से। एक और आता है, देखे होंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखे होंगे उसमें क्या होता है ना कि वो लोग सब एक साथ जब इकट्ठा होते हैं तो क्या करते हैं? अब्दुल के सोडा पे जाके क्या करते हैं? नाम ही है अब्दुल का सोडा, मतलब अब्दुल के सोडा शॉप पे जाके वहां पे सोडा पीते हैं। सोडा का मतलब क्या होता है? जब खाना खाते हैं उसका सोडा पीने से क्या होता है? अगर पेट में किसी तरह का गैस अगर बन गया हो तो उसको पीने से वो गैस क्या रिलीज हो जाता है, क्या होता है? एट ए टाइम रिलीज होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सोडा का भी यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं? सोडा। सोडा में क्या होता है बाबू? ये बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है बाबू? बेसिक नेचर का होता है। जिससे कारण क्या करता है? अगर पेट में किसी तरह से खाना अनपच हो गया हो या अगर लग रहा है अनपच हो जाएगा, अगर इसे हम सेवन कर लेंगे तो ये कभी बनने नहीं देगा, एसिडिटी नहीं बनने देगा। आगे समझ में? ऐसे करके हम बता सकते हैं कि क्या अगर पेट में कभी किसी को अगर गैस बन रहा हो तो समझ जाए क्या एसिडिटी उसके अंदर हो गया, मतलब अम्ल की मात्रा HCl की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ज्यादा और होकर मेरे शरीर को हानिकारक ना पहुंचा दे, हम लोग क्या करते हैं? अगर मेडिसिन है तो हम लोग वहां पर बेस वाला क्या सोडियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं। अगर ये नहीं है किसी के पास, अगर उसी समय उसे चाहिए तो घर का हम लोग नुस्खा मेरे पास है, नींबू पानी यूज करते हैं। जहां पानी बेस होता है, नींबू एसिड होता है, न्यूट्रल कर देगा, काम कर जाएगा। मतलब ये किसका काम करेगा? सॉल्ट का काम करेगा। फिर जो भी देखिए नमकीन टाइप का जिसका सॉल्ट मिलेगा, मतलब पक्का उसमें एसिड और बेस रहेगा जो एक दूसरे को क्या रिएक्शन करके न्यूट्रल करके सॉल्ट बना दिया होगा। यहाँ जो बनता है ना नींबू पानी जो बेस बनाता है ये सॉल्ट टाइप का बनाता है। क्या बनाता है? ये सॉल्ट टाइप का यूज करता है। क्या करता है? सॉल्ट। यहाँ भी देखिएगा गौर से सिरका भी ये भी सॉल्ट की तरह काम करता है, और ये भी देखिएगा तो यहाँ भी क्या करता है? ये सॉल्ट की तरह काम करता है। अगर समझ सॉल्ट खाने का मतलब कि छार की मात्रा ज्यादा होगा और एसिड की मात्रा क्या कम होगा, ऐसा जो होता है उसे हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। आगे समझ में? तो ऐसे करके आप दिखा सकते हैं कोई अम्ल मेरे लिए कितना, ये देखिए गौर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर ये पेट में किसी का ना हो तो कभी जिंदगी में उसका खाना नहीं पचेगा और कभी वो कभी स्वस्थ रह नहीं सकता है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा उसको क्या बीमार पड़ेगा और हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। अगर किसी के पास ये अगर ज्यादा आता है तो भी दिक्कत कम है तो भी दिक्कत, एक बैलेंस होना जरूरी है। नहीं बैलेंस है तो यहां से आप देख सकते हैं अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे क्षार हैं, मतलब ऐसे बेस है जो पॉइजन भी होते हैं और कोरेसी मतलब हानिकारक भी होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप देख लिए, क्या करते हैं इसको हम लोग इरेज करते हैं और इसका क्या करते हैं, कुछ हम लोग के पास क्षार है उससे हम लोग देखते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। बताया था अभी कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है उसका नाम क्या है, आप बता सकते हैं। हम लोग गौर से देखिएगा ना, जो हम लोग का ग्रुप नंबर जो ग्रुप एक है उससे हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? से अल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब लोग जो ग्रुप नंबर हम लोग का सेकेंड है उससे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब गौर से देखिएगा ना, अभी जो हम लोग यूज किए हैं दो यूज किए हैं, कौन कौन? एक देखिएगा हम लोग यूज किए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एक यूज किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज किया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरा ग्रुप नंबर पहला का है और ये मेरा ग्रुप नंबर दूसरा का है। क्या? दूसरा का। ये ग्रुप नंबर पहला, ये ग्रुप नंबर दूसरा, दोनों यूज किए हैं। इसके बाद वाला हम लोग कोई भी ग्रुप इस ग्रुप के एलिमेंट का यूज करेंगे वो क्या होता है? वो बहुत हानिकारक होता है। आगे समझ में? अगर गौर से देखिएगा, अगर गौर से ग्रुप नंबर सेकेंड में किसकी बात करें, ग्रुप नंबर सेकेंड में अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर इसका यूज करेंगे तो बहुत हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। क्या होता है? ये पॉइजन होता है। क्या होता है बाबू? ये बहुत ही ज्यादा पॉइजन होता है। और ये किस तरह का पॉइजन होता है? बेस पॉइजन होता है। किस तरह का पॉइजन होता है? बेसिक पॉइजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसिक पॉइजन होता है ये। अगर इसका यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग को? शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, किल भी कर सकता है आदमी को। इसलिए अगर हम लोग ये यूज करेंगे ये क्या करेगा? हानिकारक होगा, मतलब कोरेसिव टाइप का। ये क्या है? कोरेसिव टाइप का। अगर इसमें हम ये यूज करें, कौन सा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें या हम क्या करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे लिखिए, या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करें, तो क्या करेगा ये कोलेसिव होता है तो शरीर को क्या करेगा नुकसान पहुंचाने का काम करे, क्या करेगा ये शरीर को नुकसान। अगर ये जो आप देख रहे हैं ये कंपाउंड जो सोल्यूशन के रूप में है, अगर इसे अगर हल्का भी स्किन पे गिर गया तो आपके स्किन जो चमड़ा होता है इसको जलाने का काम करेगा, क्या करेगा जलाने का काम करेगा। इसलिए अगर ये मेरे अरे क्या हो अगर स्किन पे गिर गया तो स्किन को ये क्या करे बर्न कर देगा, क्या करेगा स्किन को ये क्या करता है बर्न कर देता है, क्या करते हैं बाबू स्किन को बर्न कर देता है। इसलिए यह हानिकारक है, ये आदमी से मरता नहीं है लेकिन क्या होता है बहुत ज्यादा हानिकारक कर देता है, लेकिन इसका यूज करे तो आदमी मर सकता है। आगे समझ में, तो हम लोग का देखे गौर से दो तरह का क्या होता है बेसिक में दिख गया नेचर दिखेगा, एक पॉइजन वाला होगा एक कोलेसियम वाला होगा। पॉइजन का मतलब जो ज्यादा इफेक्ट करे, इसका मतलब क्या होता थोड़ा कम इफेक्ट करे। अब देख लिए यहाँ पे हम एसिड भी देख लिए, आप इसको भी देख लिए। अब गौर से देखिए ना, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट, हम लोग जो टूथपेस्ट जो यूज करते हैं, गौर सुनेगा, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं ना पेस्ट, वो उसमें क्या होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, क्या होता है बाबू वो बेसिक नेचर का होता है, क्या होता है बेसिक नेचर का होता है। कोई बोला बेसिक नेचर क्यों लिए, गौर से सुनिए, हमारे पेट में क्या होता है बता देना एमल होता है, क्या होता है हमारे पेट में एसिड होता है, हमारा जो स्टमक है स्टमक उसमें क्या होता है एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है एसिड एसिड, ये हमारा क्या है एसिड होता है। ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, हम लोग अगर मान लीजिए अगर रात में सो गए सुबह जब उठते हैं तो क्या करते हैं जो खाना पचते रहता है तो क्या धीरे धीरे क्या उसका गैस होता है मुंह पे तो आता है, इसलिए आदमी देखिए सुबह सुबह जब उठता है तो मुंह स्मेल करते रहता है, यही कारण है क्यों, क्योंकि जो खाना पचता है कुछ उससे क्या गैस रिलीज होता है, वो गैस क्या होता है मुंह के थ्रू बाहर आता है, और क्या होता है मुंह के पूरे जो अंदर का जो पार्ट हो दांत हो या आपका जीभ हो या इधर का पार्ट जितना होता है सारे को गैस क्या होता है, क्या होता है वो चिपका होता है सोल्यूशन के रूप में, क्या चिपका होता है। अगर क्या करें अगर हम लोग अगर वही ब्रश ना करें, अगर ये क्या करें कौन बेसिक यूज जो बेसिक जिसमें हो सॉल्यूशन वो वाला नेचर वाला अगर टूथपेस्ट हम यूज ना करें तो क्या करेगा, मुंह का अंदर जो छाला होता है मुंह के अंदर जो होता है क्या होता है जो पार्ट होता है उसमें क्या छाला का काम करेगा, मतलब क्या होता है देखिए छोटा छोटा क्या होता है उनका पिंपल्स निकल जाएगा खाने में दिक्कत होता है वो क्या होता है छाला हो जाएगा, या क्या आपका दांत जो होता है दांत के ऊपर क्या होता है कोटेड होता है व्हाइट कलर का जो ऊपर कोट किया रहता है वो क्या होता है धीरे धीरे वो खराब होना स्टार्ट होता है, अगर आप कुछ हार्ड भी सामान खाते हो तुरंत का दांत झड़ना स्टार्ट होता है, ये सब रीजन किसका होता है इसके कारण होता है। अगर आप क्या यूज ना करेंगे, अगर बेसिक नेचर वाला अगर टूथपेस्ट यूज नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं जितना भी क्या कर सकते हैं सेंसिटिव टाइप का हो या नॉर्मल भी हो सब में बेसिक नेचर होता है, जो क्या करता है हमारे मुंह में जो एसिड बना हुआ जो गैस बना हुआ तो सारे को धोने का काम करता है और सही करने का काम करता है। आगे ये बात समझ में। और एक और चीज बता, एक और फैक्ट बता आपको, हम लोग का जो वीनस जो देखिएगा सन से जो सेकेंड नंबर का जो सबसे नजदीक वाला प्लेनेट है वो कौन है, वो कौन सा प्लेनेट है, वो वीनस है जिसको हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, ये कौन सा है शुक्र ग्रह, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना पहले बात उसका एटमॉस्फेयर कहेंगे न के बराबर है, क्या बोले उसके आसपास का जो वातावरण है क्या बोल सकते बोल दीजिए एटमॉस्फेयर, क्या बोले एटमॉस्फेयर बोलिए, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ है H2SO4, कौन सा गैस भरा हुआ है H2SO4 गैस भरा हुआ है, जो क्या करता है ये क्या करता है पीले रंग का रहता है, पीले रंग का हमेशा उसके चारों तरफ क्या करता है एक बादल बनाया रहता है, कौन जो हम लोग का शुक्र ग्रह है उसके चारों तरफ क्या करता है पीले कलर का हल्का पीले रंग का क्या करता है एक बादल बनाया रहता है, जिससे हमेशा क्या होता है उससे आंधी जो तूफान आता है इसे क्या होता है आपका बारिश वगैरह हुआ तो किस तरह का बारिश होगा खुद सोचिए एसिड रेन होगा, क्या होगा एसिड रेन होगा। तो बताइए कभी भी जिंदगी में कभी इस पे पनप तक क्या कर सकता है जिंदगी पनप सकता है, आगे कभी कुछ हो जाए लेकिन जब तक अगर ऐसा सिचुएशन है तो कभी होगा नहीं, यही कारण है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो मार्स पे जाना प्रिफर करते हैं, वहां पे आप सुनने में 2030 तक वो लोग बहुत कुछ करने वाले वहां पे क्या कर सकते लोग को भेजने वाले हैं, लेकिन कभी यहाँ होगा नहीं, ये बहुत नजदीक है सन का, सन के नजदीक होने का इसका अपना एटमोस्फेयर है नहीं, जब एटमोस्फेयर है नहीं तो वहां पे लोग रहेंगे कैसे, इसलिए ऊपर से किस तरह का वहां पे एसिड होता है इस तरह का एसिड होता है। आगे समझ में बात बताइए यहाँ पे कहीं दिक्कत होगा किसी तरह का प्रॉब्लम इसमें होने वाला है नहीं होगा। अगर ये वीडियो आज का अगर ये कंसेप्ट आप जो देखे हैं सिर्फ एसिड के बारे में और बेस के बारे में जो दो तरह का उसको पॉइंट पड़े बेसिक होगा सिर्फ पॉइजन वाला हुआ कि नहीं और कोरेसिव हुआ कि नहीं, अगर ये आपको अच्छे समझ में आया तो आपको काम क्या करना है आपको मालूम है,
वीडियो पे जाइएगा, नीचे एगल क्लासेस में जाइए, नीचे में लिखा रहता है लाइक से सब्सक्राइब, उसे आप क्या कीजिए दबा के उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, दबा के उसको शेयर कर दीजिए, लोगों को बीच में फैला दीजिए कि हाँ एगल क्लास में बहुत अच्छा क्या एक नॉलेज दिया जा रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो काम कीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।